दाहिने तरफ हम घूमते हैं तपोवन में और आप देख रहे हैं ये बाया तरफ का, और ये हालत देखिए यहाँ पे, ठीक गोदावरी के ऊपर है हम अभी, और यहाँ पे ये कचरे के ढेर, मिट्टी के ढेर यहाँ पे जमा, ये सारा कचरा कहाँ जाने वाला है, ये गोदावरी में या बाढ़ आने के बाद डालने वाले, फेंकने वाले, क्या करने वाले इस कचरे का। ये देखिए ये बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस, ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इनका कचरा कौन फेलेगा। गोदावरी, पैसा कमाओगे आप और दुख भोगने वाली माँ गोदावरी। और तपोवन से जो अपने को राम लखन जानकी माता का जो चित्रण दिखाई देता है, उसी के पास हम पहुँचे। मैं ज़रा आपको अभी ऊपर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। नासिक से मेरा शुरू हुआ सफ़र, माँ गोदावरी की मैंने पूरी यात्रा आपको दिखाने की कोशिश की। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे, मेरा कंटेंट अगर पसंद आए, तो ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए अपना चैनल जगविंद से। नासिक में जन्म लेने वाली माँ गोदावरी की ये हालत अपने नासिक में देख के बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों। क्या बोलूँ, मेरे ये ही गोदावरी। हाँ, कोई सोचेगा ये माँ गोदावरी है। ये सारे कचरे से भरा पानी यहाँ पे पड़ा है और हम जिस पे खड़े हैं वहाँ ऊपर, इसकी वजह से ये पानी आगे छोड़ा जा रहा है रामकुंड की तरफ, जिसमें हम पवित्र रामकुंड मान के जिसमें हम नहाते हैं, डुबकी लगा। तो ये जो कचरा कर रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो अभी हमने नगर पालिका का बोर्ड देखा कि 500 रुपये पहली बार दंड, 5000 रुपये दूसरी बार दंड, ये फिर ये दंड किससे वसूल करने का? हाँ, ये इतना घान कचरे वाला पानी, बड़े बड़े चैम्बर और ये सब कचरा जमा हो रहा है गोदावरी में, ये बहुत ही। कोई भी सोच नहीं सकता दोस्तों कि मैंने जो आपको दिखाया वो क्या है। वो कोई ओढ़ा या नाला नहीं है, या किसी तरफ से आता हुआ थोड़ा छोटा सा पानी नहीं, तो ये अपनी भारत की सबसे बड़ी दो नंबर की नदी जिसे कहते हैं, वो है माँ गोदावरी। ओह माय गॉड, यहाँ से और ये देखिए सबसे बड़ा नाला है, यहाँ आपको आवाज़ सुनाई देती होगी। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य एक ही है कि गोदावरी नदी के किनारे चलना हम पसंद करते हैं, गोदावरी नदी के किनारे घर लेना हम पसंद करते हैं। हमको रिवर लुक चाहिए, रिवर फ्रंट चाहिए। हम बिल्डिंगों के नाम रखते हैं गोदावरी, रिवर फ्रंट, मतलब गोदावरी के ही नज़दीक हमको सब चाहिए। तो गोदावरी की स्वच्छता हमको क्यों नहीं चाहिए? इसी बात की वजह से मैं यहाँ तक गोदावरी आपको दिखाने की कोशिश की कि पूरी गोदावरी कैसी है, उसकी हालत क्या है, गोदावरी का कहना क्या है, गोदावरी का मनोगत क्या है। हम बड़े बड़े लेख लिखते हैं पेपर में, हम निबंध लिखते हैं कि गोदावरी की आत्मकथा, नदी की आत्मकथा, तो नदी को क्या चाहिए ये हमको जानने की बहुत ज़रूरत है। और उसके लिए है लोगों में जागरूकता। सबसे पहले हर एक के मन में ख्याल आना चाहिए कि गोदावरी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा योगदान क्या होना चाहिए। मैं गोदावरी को साफ नहीं रख सकता तो मैं कचरा भी नहीं कर सकता। अगर मैं कचरा करूंगा तो गोदावरी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे अपने ही भाई आगे वाले भाइयों को तकलीफ़ होगी। जैसे अपना घर हम स्वच्छ रखने की कोशिश करते हैं, वैसे ही माँ गोदावरी को हम सब मिलके स्वच्छ रखें और गोदावरी की स्वच्छता ही पूरे नदियों की स्वच्छता होगी। क्योंकि गोदावरी अकेले नहीं बहती, तो आगे जैसे जैसे बढ़ती है तो 50 नदियाँ गोदावरी को मिलती है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि हम गोदावरी को स्वच्छ रखें, नदी की स्वच्छता तो पूरे ज़िले की स्वच्छता, ज़िले की स्वच्छता तो राज्य की स्वच्छता, और राज्य की स्वच्छता तो देश की स्वच्छता। और जैसे स्वच्छता आगे बढ़ेगी तो वैसे ही उन्नति होगी, प्रगति होगी, पर्यटन को चालना मिलेगी। बस यही कहना था।
अपने भारत की प्रमुख और महाराष्ट्र की जीवन रेखा। गोदावरी पार्ट 3 बनाने, आपने अभी तक मेरा गोदावरी पार्ट 1, गोदावरी पार्ट 2 नहीं देखा होगा तो जरूर देखिए अपने चैनल जगवेंचर जी पे। गोदावरी का है, गोदावरी की हालत मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हम जिस घाट से जा रहे हैं वो रामकुंड के आगे लगभग 1 किलोमीटर तक ये घाट है। उस दिन जब मैं आया था तो बहुत जोर की बारिश यहाँ हो रही थी और तब मैं नासिक का जो अपना अमरधाम है वहाँ तक और उसके आगे जो ब्रिज है वहाँ तक दिखाने की कोशिश करते की थी। आज जाएंगे हम उसके 2, नासिक गोदावरी दर्शन पार्ट 2 तक मैंने वहाँ तक दिखाने की कोशिश की। आज हम जाएंगे उसके भी आगे और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा गोदावरी की क्या हालत हो गई है। तो देखते रहिए अपना चैनल जगवेंचर जी। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं आगे। तो स्वागत है सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल जगवेंचर जी पे। दोस्तों आज मैं आया हूँ उस ब्रिज के नीचे जहाँ तक मैंने गोदावरी पार्ट 2 में आपको दिखाने की कोशिश की। आज हम शुरू करेंगे गोदावरी का पार्ट 3 इस ब्रिज से आगे की ओर। तो ये देखिए, ये जो काम हुए थे ये कुंभ मेला के वक्त इस रोड का जो काम हुआ था, उस रोड का काम कुंभ मेले के वक्त हुआ था। जब 5-6 साल अभी हो गए उसको और अभी भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत यह काम शुरू है गोदावरी की। और पहले ही जहाँ मैंने बाइक लगाई और वहाँ वहीं पे आप ये कचरा देखिए कितना जमा हुआ है ये कचरा। आज गोदावरी का पानी थोड़ा बड़ा हुआ मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि 1 तारीख से 10 तारीख तक नासिक में अच्छे तरीके से बारिश यहाँ हुई है और पानी की लेवल भी यहाँ थोड़ी बढ़ गई है। क्योंकि उस दिन जब मैं आपको गोदावरी दर्शन दिखाने की कोशिश कर रहा था तो पानी का स्तर थोड़ा कम था, तो इसलिए कचरा अंदर का साफ दिखाई दे रहा था कि कहाँ पे कचरा है, कहाँ पे ज़्यादा गंदगी फैली है। लेकिन आज पानी का स्तर थोड़ा बढ़ा है। तो दोस्तों ये जो सामने आपको जो गोदावरी के ऊपर ब्रिज नज़र आ रहा है वो जा रहा है तपोवन की तरफ। तपोवन ब्रिज भी उसे कहते हैं। तो नीचे जो आप देख रहे हैं ये कोई गार्डन या कोई पार्क नहीं है, तो ये है गोदावरी। तो मैं आपको अभी नीचे जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ क्या है हालत गोदावरी। ये देखिए जमा कचरा और यहाँ से अभी मैं आपको ब्रिज के नीचे से जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो हम जा रहे हैं नीचे। अभी नीचे आए हम और ब्रिज के नीचे देखिए ये बड़े बड़े चेम्बर यहाँ पे। और ये ब्रिज के नीचे देखिए आप, यहाँ पे बहुत सारी पानवेली जमा हुई है, बहुत सारा कचरा यहाँ पे नीचे जमा हुआ है। गोदावरी का किनारा यहाँ तक तो बहुत अच्छा बनाया है लेकिन आगे तो रास्ता यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो भी मैं आगे आपको यहाँ से लेके जाने की कोशिश करता हूँ। जैसे जैसे आगे जाएंगे हम वैसे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ अंदर देखिए आप, बहुत सारी पानवेली, बहुत सारा कवत यहाँ अंदर बढ़ गया है। और यहाँ वहाँ तो अंदर लोग बैठ के कुछ कर रहे हैं, मैं भी वो भी आपको दिखाता हूँ। तो चम्बर देखो ना। हाँ। मधी एवढं गवत का बरं वाढलेले? ये मतलब गवत
हाँ का आणि ते लोक तर गवतात बसून काय करताय तिथं? काय करताय ते? ही भाजी आहे का? नाही नाही मग तो वहाँ पे लोग अंदर बैठ के कुछ तो भी तोड़ रहे। अभी मैंने पूछा तो बोल रहे नेपाली लोग है वो, और उनको पता है क्या तोड़ना है क्या करना है। ये देखिए यहाँ ब्रिज के थोड़े आगे आने के बाद आप देखिए ये अंदर हालत गोदावरी में क्या हो गई है। ये देखिए पूरा कचरे का पानी, पूरा सांड पानी यहाँ पे जमा हुआ है। ये अंदर पानवेली बहुत बढ़ गई है और यहाँ पे अंदर लोग वो जो निकाल रहे हैं वो देखिए अपनी जान जोखिम में डाल के ये काम कर रहे हैं। अगर गंगापुर डैम से पानी छोड़ा जाए और इनको सतर्कता नहीं मिली तो कितनी हानि हो सकती है, इसका कोई ख्याल भी नहीं कर सकता। ये देखिए अभी हम जो जा रहे हैं ये पूरा गोदावरी का पात्र है। तो हम जा रहे हैं आगे के रास्ते से, यहाँ तो रास्ता है ही नहीं आगे जाने के लिए। तो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आते वक्त हम उस साइड से आएंगे। तो दोस्तों अपना सफ़र अभी पहुँच गए तपोवन की तरफ। तपोवन में गोदावरी और अपनी कपिला नदी का संगम जहाँ पे होता है वो जगह मैं आपको अभी यहाँ ये दिखाने की कोशिश करूँगा। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं बड़े बड़े पत्थर और ये जो आप पूरी जो स्टेप्स देख रहे हैं उसके ऊपर है तपोवन का गार्डन जो कुंभ मेले के वक्त बनवाया गया था, और उसके ही आगे है गोदावरी कपिला का संगम। लेकिन यहाँ पे जमा ही पानवेली गोदावरी की जो हालत हो गई है वो देख के बहुत बुरा लग रहा है। वहाँ से जब मैंने शुरुआत की तो वहाँ गोदावरी का पात्र बिल्कुल साफ और स्वच्छ था, लेकिन जैसे जैसे हम तपोवन की तरफ बढ़ते आगे तो वैसे वैसे वो थोड़ा ख़राब होता जाता है। तो यहाँ से आगे अभी कैसे जाए? तो चल के देखते हैं आगे। ऊपर से जाने की कोशिश करते हैं हम। तो नीचे से रास्ता नहीं था तो मैं ऊपर के रास्ते से अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ ऊपर। हाँ तो बहुत ऊपर से अभी चढ़ के जाना पड़ेगा दोस्तों। ये देखिए तो मेरे ख्याल से जो बारिश हुई थी 10 दिनों में तब ये ऐसा हुआ होगा। तो हम जा रहे हैं अभी ऊपर और ये पूरी मिट्टी ढकेल दी है गोदावरी के पात्र में। हाँ अभी आ गए हम ऊपर। तो तपोवन की दूसरी बाजू आप देख रहे हैं दोस्तों, तपोवन जहाँ पे लोग छुट्टी के दिन घूमने आते हैं फिरने आते हैं, तो उसके ही मतलब गोदावरी के दाहिने तरफ हम घूमते हैं तपोवन में। और आप देख रहे हैं ये बाया तरफ का, और ये हालत देखिए यहाँ पे ठीक गोदावरी के ऊपर है हम अभी, और यहाँ पे ये कचरे के ढेर मिट्टी के ढेर यहाँ पे जमा, ये सारा कचरा कहाँ जाने वाला है? ये गोदावरी में या बाढ़ आने के बाद डालने वाले फेंकने वाले क्या करने वाले इस कचरे का? ये देखिए ये बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इनका कचरा कौन फैलेगा? गोदावरी पैसा कमाओगे आप और दुख भोगने वाली माँ गोदावरी। और तपोवन से जो अपने को राम
लखन जानकी माता का जो चित्रण दिखाई देता है उसी के पास हम पहुँचे। मैं ज़रा आपको अभी ऊपर से दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन राम लक्ष्मण जानकी की ये मूर्तियाँ खड़ी कहाँ पे है दोस्तों, वहाँ पे क्या है? तो वहाँ पे ये देखिए क्या है, यहाँ पे जमा है खाली कचरा और खान और सब कंस्ट्रक्शंस के वेस्टेज मटेरियल, बाकी कुछ नहीं। बस इसी बात का बहुत दुख लग रहा है दोस्तों कि हम दिखाने की कोशिश करते हैं राम लक्ष्मण सीता माता हमारे नासिक आए थे, उन्होंने यहाँ वास्तव्य किया था, लेकिन आज जो उनका वास्तव्य है वो कौन सी जगह पे है, वो जगह आप देखिए कैसी हो गई है, क्या हो गई है। और ठीक इसके नीचे बहती माँ गोदावरी, ये देखिए ये तो तपोवन घूमने दूर दूर से यात्री जब आते हैं तो उनको पहले अपने राम लक्ष्मण सीता माता का ये जो स्टैचू यहाँ पे बनाए गए हैं वो दिखते हैं। दूर से दिखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत ये दिखता है, लेकिन राम लक्ष्मण माता राम लक्ष्मण सीता माता की हालत यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऊपर कैसा है, क्या हो गया है, ये जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स यहाँ जो कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं उनका कचरा यहाँ पे ठीक ठिकानी यहाँ पे जगह जगह पे जमा है, यहाँ पे बहुत सारा कूड़ा यहाँ पे जमा हो गया है, और ये कंस्ट्रक्शंस का वेस्टेज मटेरियल कहाँ जाने वाला है, इसका कौन जवाब देगा? हाँ, कोई जवाब देने वाला नहीं है, तो बहुत बुरा लगता है। तो तपोवन ब्रिज के नीचे से प्रभु श्री राम लक्ष्मण माता सीता के ऊपर से ही अभी दर्शन करके हम जा रहे हैं नीचे माँ गोदावरी की तरफ। ये देखिए ऊपर से दिखती माँ गोदावरी, और यहाँ पे पूरा कोने कोने से ये मतलब ये जो आप फूलों की खेती देख रहे हैं ये माँ गोदावरी के ही इसमें की जा रही है। बहुत बड़ा चैम्बर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, और आगे जो लॉकडाउन में जिन लोगों को कुछ काम नहीं है वो उनका भी माँ गोदावरी सहारा बनी है। क्यों? क्योंकि मछलियाँ पकड़ने का काम वहाँ शोरों से शुरू है। तो चलते हैं आगे तपोवन की तरफ, हम जा रहे हैं अभी, और मैं आपको दिखाता हूँ संगम और जाएंगे अभी गोदावरी की दूसरी साइड में। गोदावरी की हालत, और यहाँ पे बड़े बड़े चैम्बर्स के द्वारा जो आप ये पाइप देख रहे हैं नीचे उससे पूरा सांड पानी यहाँ से तपोवन जहाँ से आगे ये देखिए आगे यहाँ पे हो रहा है गोदावरी और कपिला का संगम, वहीं पे छोड़ा जा रहा है ये खान पानी। तो वहाँ थे हम ऊपर, और ये देखिए यहाँ से अभी इस चैम्बर से ये पूरा सांड पानी यहाँ से होते हुए यहाँ से इन पत्थरों के नीचे से ये जो बड़े बड़े दो चैम्बर आपको यहाँ आगे नज़र आ रहे वहाँ से जो नीचे मैंने अभी पाइप दिखाया वहाँ से जा रहा है गोदावरी और कपिला का संगम जहाँ पे है वहाँ पे। और जो हमने ये जो गंगा घाट बना है ये जो सुशोभीकरण किया है ये किस लिए किया है कि माँ गोदावरी को देखने तपोवन को देखने दूर दूर से लोग आए, दूर दूर से पर्यटक यहाँ आए। ख्याल तो बहुत अच्छा है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि दूर दूर से पर्यटक आने चाहिए, अपने नासिक का नाम उज्जवल होना चाहिए। लेकिन नासिक का नाम अगर उज्जवल करना है तो पहले स्वच्छ होनी चाहिए अपनी माँ गोदावरी। अगर माँ गोदावरी स्वच्छ होगी ये जो पूरा परिसर यहाँ का स्वच्छ होगा तभी पर्यटक यहाँ आएंगे, और पहले से ही माँ गोदावरी खिलखिलाते हुए आगे बढ़ेगी।
जो कपिला और गोदावरी का संगम है वहाँ पे जो इस पाइप से, ये देखिए ये जो पाइप, ये देखिए ये पाइप, ये जो पाइप आपको नज़र आ रहा है उस पाइप से ये पूरा कचरे का पानी वहाँ पे छोड़ रहे हैं। ये देख के बहुत ही बुरा लग रहा है दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ से आ रही है अपनी गोदावरी, जहाँ से अभी हम चल के आए, और वहीं पे आगे हो रहा है संगम। ऊपर ही लिखा है स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर। सही है, एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाना ही चाहिए, लेकिन हर एक लोगों ने उसके लिए सहयोग करना चाहिए। हर एक लोगों के मन में उतनी जागरूकता हमको लानी पड़ेगी, हर एक लोगों के मन में वो ख्याल लाने पड़ेंगे कि गोदावरी को स्वच्छ रखना है, अपने परिसर को स्वच्छ रखना है, अपने रास्ते स्वच्छ रखना है, ना कि अपने घर का कूड़ा दूसरों के घरों के सामने फेंके, ना कि हमारा घर साफ रहे बाकी दूसरों का घर चाहे कैसा रहे। ये ख्याल अपने दिल से निकाल देने है, हमारा घर स्वच्छ, हमारे बाजू वाले का स्वच्छ, हमारा गांव स्वच्छ, हमारा जिला स्वच्छ और हमारा राज्य स्वच्छ, तभी होगा अपना देश स्वच्छ, तभी हम बढ़ाएंगे कदम, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ से बह के आ रही है कपिला, ये देखिए ये देखिए, और यहाँ से बह के आ रही है गोदावरी, और यहाँ पे हो रहा है संगम, और संगम के ही जगह पे है ये बड़ा चैम्बर, और जो पाइप आप देख रहे हैं वहाँ से छोड़ा जा रहा है सांड पानी। तो ऐसी हालत है अपनी गोदावरी की यहाँ पे। ये देखिए ये कपिला का पात्र, कपिला का पात्र नहीं, ये पूरी गटर का पात्र बना दिया है कपिला को, देखिए ये। और यहाँ से आगे जाती हुई कपिला और गोदावरी से मिल रही है वहाँ पे। मैं अभी आपको कपिला दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कपिला नदी की हालत क्या है जो गोदावरी को आके मिलती है। ये देखिए ये कपिला नदी नहीं तो इसको पूरा एक गटर का रूप लोगों ने दे दिया है, और कपिला नदी ही नहीं रही है, वो एकदम जैसे गटर का कोई पानी या कोई नाला रहता है वैसे ये पूरा बना दिया है। भारतवर्ष में कुंभ मेले का आयोजन सिर्फ चार जगह करने का सौभाग्य मिला है, हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज, और उसमें से हमारा ये एक नासिक। और नासिक में जहाँ शाही स्नान करने के लिए दूर दूर से साधु संत लोग आते हैं, वहाँ पे अपनी गोदावरी की हालत क्या है ये दिखाने की कोशिश मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से की दोस्तों। एक गोदावरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाने का उद्देश्य सिर्फ एक है दोस्तों, कि हम गोदावरी को साफ रखें, स्वच्छ रखें, सुंदर रखें, बस। तो चल पड़ी अपनी माँ गोदावरी नासिक के बाहर। तो दोस्तों गोदावरी भाग एक, गोदावरी भाग दो और गोदावरी भाग तीन का मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि नासिक तक बाहर जहाँ तक गोदावरी माँ बहती है, नासिक सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, नासिक तो मतलब अपने आगे भी नांदूर मध्यमेश्वर तक वहाँ तक भी जाती है, लेकिन नासिक सिटी तक जहाँ तक गोदावरी बहती है वहाँ तक मैंने आपको ये पूरा सीरीज दिखाने की कोशिश की। गोदावरी माँ का दुख मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लगे, पसंद आए, और मेरा कंटेंट अगर पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और देखते रहिए अपना चैनल जगवेंचर जी। जय हिंद, वंदे मातरम।